हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? दया की बेगुनाही का सबूत। सर, अब क्या सबूत मिलेगा उनकी बेगुनाही का? सर, वो गोली पंकज, वो गोली जो किडनैपर को लगी है। मगर सर, वो गोली तो सालुंके साहब ने उसकी पीठ से निकाल ली थी। जो गोली सालुंके साहब को मिली है उसमें कोई राज छुपा है और वो राज हमें ढूंढना है। ये खून के छींटे देख रहे हो ना? हाँ सर। जिस तरीके से किडनैपर को गोली लगी है उसी में कोई पेच छुपा हुआ है और वो पेच ये खून के छींटे खोलेंगे। सर, खून के छींटे कैसे सर? अरे यार, तुम्हें पता है ना, खून के छींटे हमें बताते हैं कि गोली कितनी दूरी से चली है, किस एंगल से चली है। और इन खून के छींटों ने भी हमें कुछ बताया है। एक मिनट जरा यहाँ खड़े रहना। पंकज, जरा थोड़ा नीचे झुकना। गोली 23 डिग्री एंगल से चली थी। पंकज, उस दिन इस किडनैपर पे एक नहीं, दो गोलियां चली हैं। एक दया की गन से और दूसरी किसी और की गन से। सर, मगर गोली तो हमें एक ही मिली है, तो दूसरी गोली कहाँ गई? वो दूसरी गोली ही तो हमें ढूंढनी है। किडनैपर को यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे गिरा और गुड़िया यहाँ पे गिरी। इसका मतलब जो दूसरी गोली पैर पे लगने वाली थी वो यहीं कहीं होगी। पंकज, एक काम करो, मैं वो दूसरी गोली ढूंढता हूँ, तब तक तुम यहाँ पता लगाओ कि उस दिन जब गोली चली थी यहाँ कंटेनर यार्ड में कोई आया था क्या। ठीक है सर। सुपरवाइजर साहब, आप जरा ऊपर आएंगे। आगे रख, होल्ड कर, इसे मारते हैं पंच। निकलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो कहिए क्या काम है? कुछ जानकारी लेनी थी। नहीं दूं तो? तो हमें जबरदस्ती जानकारी लेना आता है? जानती हो, हम बॉक्सर हैं और हमें हराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। पर कुरदार, इसे हल्के में मत लेना, बहुत ताकतवर है ये। तुम जैसे चार चार मुस्टंडे को एक झटके में हरा सकती है। बस एक पंच, एक पंच में लड़की पूरी धाराशाही हो जाएगी। वो तो पंच मार के ही पता चलेगा ना। अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। मुझे मैदान में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा कोई भी बच्चा काफी है। और अगर तुम जीत गई तो मैं जो जानकारी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे फाइट करूंगी मैं।
देगा। बहुत अच्छी फाइट करती हो, कहां से सीखी इतनी अच्छी फाइट? सीखी है कहीं। अब जो हम पूछेंगे उन सवालों का जवाब दो। इसे जानते हो? अरे ये मर गया? हाँ, किसी ने खून कर दिया इसका। ये सैंडी है जिसको मैंने ट्रेंड किया था। इस सैंडी का एड्रेस या फोन नंबर होगा ना? घर की अच्छी तरह से तलाश लो, घर में वो सारी चीजें देखो जिसमें बच्चे को छुपाया जा सकता है। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, कबर्ड में फोटोज चिपके हुए। माय गॉड, ये तो मिली है अर्शु की केयरटेकर। इसके यहाँ फोटो कैसे हैं? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये मिली उस किडनैपर को जानती है। हाँ सर, और हमारे सामने ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि बच्ची खोने का दुख सबसे ज्यादा उसी को ही है। अर्श, मिली, इस मिली से मिलना पड़ेगा, जरूर अर्श के बारे में उसी से पता चल सकता है। सूरज, सीआईडी कॉप्स पर गर्व है क्योंकि मेरा बेटा भी एक जाबाज ऑफिसर था। उसे 26 नवंबर को गोली मार दी गई, मां डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की, तीसरी बार मैं उसे नहीं बचा पाया। बेचारा सूरज खामा खा मारा गया इसके चक्कर में। सर मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है मेरी अर्शु? जिगर जी, आपकी अर्शु जहां भी है वो जल्द मिल जाएगी, क्योंकि किडनैपर के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। सर कौन है किडनैपर? प्लीज बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो फिर पूछिए ना मिली जी से, उसे पूरा पता है। क्यों मिली, कौन किडनैपर है और अर्शु को कहां रखा है सब पता है। पूछिए। सर
सैंडी को तो जानती हो ना तुम, तुम्हारे ही कहने पे सैंडी ने इनकी बेटी को अगवा किया है ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहाँ है मेरी बेटी, हाँ कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को, और कहाँ है मेरी बेटी? मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ सैंडी को जानती हूँ, आपकी बेटी को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मिली जी, आपको क्या लगता है हम सीआईडी वाले अकल से पैदल हैं? आप तो सैंडी को जानती है, तो इसका मतलब आप ये भी जानती है कि अर्शु को कहाँ रखा है ना? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रही हूँ, वो सैंडी मेरे आसपास चक्कर लगाता था, मैं तो उसके प्यार में फंस गई थी, बस मैं कुछ नहीं जानती। मेरा ये झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो पता होगा, अर्शु को कहाँ छुपा के रखा होगा उसने? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। सर उस दिन से लेके अभी तक एक भी कंटेनर बाहर कहीं नहीं गया, लेकिन हाँ सर इस एरिया के अंदर अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर जरूर किए। एक बात बताओ, ये जो यहाँ जो इस एरिया में कंटेनर है, ये यहाँ तक इनको इधर उधर किया है क्या? हो सकता है सर। तो वो कंटेनर जब उठाया है वो कहाँ ले गए, कहाँ पे रखा मालूम है? सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन सर इसी एरिया के अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर किए, आप चाहे तो सर चेक कर सकते हैं। चेक तो करना ही होगा। ये रेडियो है, जेल की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इससे बात कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फौरन इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये पार्टी बदलने में माहिर है। कोई मदद चाहिए भाई? कांदा काटो, काटने आता है ना? हाँ काटो तो काटो। वैसे बॉडी बहुत सॉलिड है तुम्हारी, जिम में जाते हो क्या? हाँ हाँ पहले जिम जाता था पर अब नहीं जाता हूँ। अच्छा वह छोड़ दिया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रेडियो है। रेडियो, ये कैसा नाम है? मैं ज्यादा बोलता हूँ ना, इसलिए सब लोग प्यार से मुझे रेडियो बुलाते हैं। पूरी जेल की एक एक खबर मेरे पास रहती है। मतलब कुल मिला के तुम जेल के खबरी हो? हाँ। तो खबरी जी ये बताओ कि सूरज को किसने मारा होगा? क्या हुआ? तुम तो इस जेल के बहुत बड़े खबरी हो, इतना भी नहीं मालूम? रेडियो नाम है मेरा। चलिए बताओ कि प्रमोद को किसने मारा? नहीं। अरे कौन से खबरी हो यार तुम, चिल्ला रहो एकदम, काय का खबरी है तू? हैं? कम से कम ये तो पता होगा कि जब प्रमोद का खून हुआ उस वक्त वो क्या काम कर रहा था। टोकरी बनाता था। टोकरी बनाता था? हाँ। और इस टोकरी बनाने के काम में उसके साथ कौन कौन था बता? बलराज, सनी, सूरज और कल्पेश। सूरज भी था? हाँ। ये सनी, कल्पेश और बलराज इस वक्त जेल में क्या काम कर रहे हैं? ये सब लोग फर्नीचर के कारखाने में काम करते हैं। हाँ? तुमको उनसे मिलना है? हाँ मिल लेते। ये चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, अभी खाना बनाना बाकी है। हाँ करा, यही परेशान करता और कुछ नहीं। मैं कुछ करता हूँ।
कुछ पता चला किसने मारा सूरज और प्रमोद को? तुम्हारे पूछने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि कौन है वो जिसने उन दोनों को मारा। हाँ, कौन है वो? हितेन और आकाश। इतनी आसानी से बता दिया? किचन में तो इधर उधर की बातें कर रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ है ये रेडियो। सुबह जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? राज की बातें एकदम से नहीं बताई जाती, और मुझे तो ये भी पता है कि वो ताकतवर इंसान कौन है जिसको वो दोनों मारने की बातें कर रहे थे। जो प्रमोद ने सुना था? कौन है वो ताकतवर इंसान? बुरा मत मानना, तुमको मारने का प्लान है मुझे। कौन है तू? इस गोली का मैच भी मिल ही गया। मतलब ये अभिजीत, ये गोली भी दया की गन से ही चलाई गई है। कमाल है डॉक्टर साहब, दया ने गोली चलाई एक और बुलेट मिली दो। तो फिर दया सर की दूसरी गोली कहां से आई जो किडनैपर को लगी? अभिजीत, दया को कोई फंसाना चाहता है। हाँ सर, कंटेनर यार्ड में मैंने खुद देखा सर, एक कंटेनर में छेद था, वहां पे बुलेट की शेल भी मिली है। वहीं पे बैठ के किसी ने किडनैपर पे गोली चलाई है। लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हो कि गोली किसी और ने चलाई है? खून के छींटों से, जिस तरीके से खून के छींटे वहां पड़े थे उससे साफ पता चल रहा था कि दया ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि दया की दिशा से ही किसी ने अलग एंगल से गोली चलाई है, शायद 23 डिग्री एंगल से। पर कौन हो सकता है वो, पता लगाना पड़ेगा कौन आया था वहां पर। सर, पंकज को भेजा है उसी काम के लिए, पर अभी तक आया नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ जी सर। व्हाट? क्या ये सब कैसे हुआ? तुम लोग थे ना वहां पर? क्या हुआ सर? दया पर किसने हमला किया, चाकू के वार किए। व्हाट? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम लोग चलते हैं सर। नहीं अभिजीत, कहा जेलर साहब ने वही कहा कि अभी मत आइए, दया होश में नहीं है फिर भी स्टेबल है, तो जैसे वो होश में आएगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। Ah!
हसले, ज्यादा दिन नहीं बचे तेरे, हसले। अरे यार, तुम सीआईडी वालों की यही प्रॉब्लम है, हेकड़ी बहुत दिखाते हो। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले, मौत के मुंह में भी रौब दिखाता है। हेकड़ी वाला आखिरी सांस तक नहीं जाएगी, समझा? अच्छा, तो मैं ये सांस बंद कर देता हूं। मुझे मेरा पीछा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी मुजरिम समझदार मुझे अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। सबूत तो तूने उसी ने छोड़ दिया था तो कंटेनर यहां पे आया था ना, निकले के। तो तुम लोगों ने बाल की खाल निकाल ली। मिस्टेक, माई मिस्टेक, कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार लेते हैं। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? सर को कैसे फंसाया तूने? वेरी सिंपल, मैं कंटेनर में छिपा हुआ, उसमें मैंने एक ऐसा होल बनाया कि जहां से मैं सब कुछ साफ साफ देख सकूं कौन कहां भागा है। इजी। दया को पता ही नहीं था कि मैं उसके पीछे वाले कंटेनर में छिपा हुआ था। सैंडी को लगा कि वो दया को अपने आसपास होल जाए रखेगा और मैं दया को गोली मार दूंगा, मगर उसे क्या पता था कि वो खुद ही बेचारा ऊपर भेज रहा है। तो एक और बात बता दे। चल पूछ 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 पूछ। दया सर की प्रज्ञा से मिली थी। बहुत आसान था, फायरिंग रेंज से हमने एक बुलेट। बॉम, मेरे इस साथी ने मेरे साथ धोखा किया। सर, दया सर कैसे? दया ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे अभिजीत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी दया को फंसाने के लिए। हाँ सर, ये किडनैपिंग भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है सर, और सैंडी को भी डबल क्रॉस किया उन लोगों ने। उसको बोला कि दया को मारना है और उसी को मार दिया। मगर तुम बता रहे थे ना कि उस किलर को दया के गन की गोली फायरिंग रेंज पे मिली थी ना? हाँ सर, मगर सर उसने दया सर की गोली फायर नहीं की थी सर, उसने अपनी गोली फायर की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, गोली दया की गन से नहीं चली थी तो फिर दया की गोली उस लाश के अंदर कैसे? सर, गोली बदल दी गई है। किडनैपर की लाश में जो गोली लगी थी उसको निकाल के उसकी जगह दया की गोली रख दी गई। लेकिन सर, लाश तो कंटेनर यार्ड से सीधे फॉरेंसिक लैब में आई थी, तो फिर गोली बदली कब और कैसे? रास्ते में फ्रेडी, गोली रास्ते में बदली गई एम्बुलेंस के अंदर। साहब, उस काम के लिए मुझे पैसे मिले थे साहब, मुझसे बोला गया था रास्ते में सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकने के लिए। मैं जूस पीने के बाद ड्राइवर को नीचे लेके गया था। थी वो लड़की? मिली कार? कहाँ मिली? नहीं सर, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रही। उसका कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर। पर ऑफिसर, हुआ क्या है? मिली ने सबको बेवकूफ बनाया है। वो सैंडी से कभी प्यार ही नहीं करती थी, बल्कि सारे किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ है। ये फोटोज मिली के कमरे में थे।
ये आकाश है और ये हितेन, इन्होंने तो दया पे हमला किया था जेल में। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन दोनों की फोटो मिली के कमरे में क्या कर रही थी? अभिजीत, इसका एक ही मतलब है कि ये सारा प्लान दया को सिर्फ जेल भेजने का नहीं था, बल्कि जेल के अंदर दया को खत्म करने का था। इसका मतलब दया की जान को अभी भी खतरा है, उस पर फिर से हमला हो सकता है। सॉरी एसीपी सर, जब तक पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं मिल जाते हम दया को नहीं छोड़ सकते। सर, सर उसकी जान खतरे में है सर। सर उसको फंसा के जेल भेजने का प्लान था उनका। फिलहाल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में और ऑफिसर दया के हित में है। सर कानून के दायरे में रहकर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दया पर एक हमला हो चुका है सर, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अभी भी। एसपी साहब, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप अच्छे से जानते हैं प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार हम अपना निर्णय बदल नहीं सकते। सर लेकिन आई एम सॉरी एसपी साहब, प्लीज। सर सर मिली का फोन बंद आ रहा है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को पता नहीं, लेकिन हमने शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए। सर जो भी करना है जल्दी करिए सर, एक बार हमला हो चुका है, इस बार वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अभिजीत हम भी वही करेंगे जो हम अपनों के लिए करते हैं। सॉरी सर, विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है, आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा, हमको पेशेंट का बैंडेज चेंज करना है। पतझड़, ये पत्ते और तितलियां, मैडम जी आज किस पे गिराने वाली हो बिजलियां? अरे वाह, क्या कह गए, क्या बहुत बढ़िया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा, कुछ और हो जाए। जी जी, पांव कब्र में है और शायरी सूझ रही है, मुंह खोलिए चाचा जी। अरे मैडम, बीमारी में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि दो चार पल जो मिले हैं हंस के जी लिया जाए, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अरे क्या सिस्टर, आपने उसके मुंह में थर्मामीटर ठूस दिया, इतनी बढ़िया शायरी कर रहा था, अभी तो शुरू की थी। अरे अंकल, अच्छा हुआ इनको चुप करा दिया, वरना ये कल का मरने वाला आज ही इसका गला दबा के मुंह बंद कर देता। अरे चुप। अरे जा बना, जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो बस कठपुतलियां हैं, अपना खेल खेल के निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो काम बंद करके चुपचाप सो जा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुन ले रहे हमें। हाँ भी थोड़ा सा और हो जाए। जी जनाब, ये है कि जान छुपा बादल में। भागो भागो भागो, सब लोग जल्दी जल्दी बाहर भागो, हॉस्पिटल में आग लगी है, चलो चलो भागो 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 भागो। देख खूनी ने अपना गेम शुरू कर दिया है। अभिजीत, अभिजीत, उन लोगों ने शोरूम में आग लगवाई है। सर जानबूझ कर किया ये सर, मैंने सारंगी को मेन गेट पे लगवा दिया है, बैक गेट पे किसी को रखना चाहिए। पीछे जाओ पीछे। और अभिजीत तुम दया का ख्याल रखना, दया के साथ रहो।
वो आग लग गई ना, मुझे लगा कि इधर से रास्ता होगा, तो यहाँ से कोई रास्ता नहीं, नीचे जाओ, चलो नीचे जाएं। ओके आधे घंटे की मोहलत दे रहा हूं, इसलिए आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सच तुम्हारी जुबान से बाहर आना चाहिए। बताओ किसने भेजा है तुम्हें दया को मारने के लिए, बताओ। आप आधा घंटा दो, एक पूरा दिन दे दो, लेकिन यहां से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन दया को मारने की सुपारी कहां दी गई? ऐसा तो नहीं, इन्हें भी दया को मारने के लिए पैसे दिए गए हैं? हमारे बाकी के पैसे तो मिल जाएंगे ना? लगता है कुछ साजिश है, पता करना होगा। क्या बोलते है रे केकड़े, अपने असली मकसद के बारे में बता दे जेलर साहब को। बेड़ा हो गया क्या? जेलर साहब को बता दिया तो अपना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हितेन और आकाश की मौत तो अब पक्की है, अब वो नहीं बचेंगे। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? हमें मारने आए हो? हमारे बारे में जानते हो ना कि हम कौन और क्या कर सकते हैं? मर गया। अरे बाप रे, हुआ कैसे? तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो, एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सके, इसीलिए हमें आना पड़ा, समझे? अभी ना हम लोग करेंगे तुम लोग का काम, जो रायता फैला के रखा है ना तुम लोगों ने, ये हम समेटेंगे। अरे लेकिन हमें दया को जान से मारने के लिए नहीं, सिर्फ हमला करने के लिए कहा गया था। नहीं, चुप कर, पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा तू? सही तो कह रहा हूँ मैं, इनको बताने की जरूरत है। अभी एक ही काम हमें भी दिया, इनको भी दिया। पैसे मिलेंगे ना इस बात के? अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो बाकी को पैसे नहीं मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा पैसे तुम्हें, इनको पता नहीं क्या जरूरत। इसको चोट लगी, इसको बाहर लेके जाओ जल्दी। आइए आइए मेरे साथ आइए। अभिजीत, अभिजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दया के पास कौन है? सर एक औरत घायल हो गई थी, उसको छोड़ने जा रहा है। दया के पास एक गार्ड है सर। अभिजीत अभी भी पंकज ने फोन पे बताया कि जो भी दया पे हमला करेगा वो बाहर से नहीं आएगा, वो पहले से ही हॉस्पिटल में है। We'll be right back.
केदार जी, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या? वैसे चाकू अच्छा चला लेते हो, पर अफसोस ये कला आज काम नहीं आया। खत्म, कहानी शुरू। क्यों मारना चाहता था दया को? क्योंकि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी का कातिल है। मेरी बीवी और मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। अगर इसने मुझे जेल न भेजा होता तो वो कभी सुसाइड ना करती। गुनाह करोगी तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। बहुत लंबी प्लानिंग की तूने। बच्ची को किडनैप करवाया, कंटेनर यार्ड में गोली चलवाई और दया को फंसाने के लिए वो गोली भी बदल दी। वो बच्ची कहाँ है? वो बच्ची कहाँ है जिसे तुमने अगवा किया? है किसी मेरे अपने के पास। कौन है ये तुम्हारा? मेरा अपना? नहीं बताऊंगा। अगर मेरे अपने को ये पता चल गया कि हम दोनों का प्लान फेल हो गया तो वो बच्ची को मार डालेगा। और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रख। अभिजीत, पिछले एक महीने से इस मिली का फोन यहीं पे स्पॉट हो रहा है। बच्ची को यहीं कहीं छुपा के रखा होगा उसने। सर, कहीं ये मिली ही केदार का वो कोई अपना तो नहीं है जिसके बारे में वो हमें बता रहा था? हो सकता है फ्रेडी। उनको बोलो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठे प्लीज। भागो मत, बच्चा गिर जाएगा। मिली, बच्चा हमें दे दो। मुझे रोको मत, देखो मुझे जाने दो वरना मैं इस बच्ची को फेंक दूंगी। मिली, तुम जो भी कर रही हो बड़ी गलत कर रही हो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपनी अपनी गन्स नीचे रख दो। ठीक है। अब वो गन मेरी तरफ फेंको। देखो मिली, मुझे पता है तुम केदार की बेटी हो और ये सब तुम अपने पिता के लिए कर रही हो। तुम CID वाले ना शुरू से लेके अब तक सिर्फ उल्टी दिशा में ही भाग रहे हो। सच्चाई क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और वो सच्चाई मैं तुमको कभी नहीं बताऊंगी और तुम लोग कभी जान भी नहीं पाओगे। देखो मिली, बच्ची
ये क्या किया तुमने? गोली मार दी इसको? ये मेरी बच्ची को मारने वाली थी तो और क्या करता मैं? अरे तो पैर पे गोली मारते ना, सिर्फ यही थी जो दया को बेगुनाह साबित कर सकती थी और इसको गोली मार दी तुमने। सिर्फ ये नहीं सर, एक और इंसान है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। कौन है वो दया? सर अंकुश नाम है उसका। अंकुश? अंकुश का नाम सुनते ही पसीने छूट गए तुम्हारे सर? नहीं बात, गर्मी है इसलिए। गर्मी की वजह से ही या ये नाम अंकुश सुनने के बाद गर्मी लग गई तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंकुश और जिगर, और तुम केदार के बेटे हो। व्हाट? ये सारा खेल तुमने रचा था। अंकुश और जिगर, ये सारा खेल तुम्हारा था, विचार मिली का नहीं। ये सारा खेल मैंने रचा है। मैं दया को अरेस्ट करूंगा। मिली से बोल के मैंने राका को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि मेरा राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे। और मैं अंकुश हूं, केदार मेरा बाप है, और आप सब अब अच्छे कॉप्स की तरह मुझे यहां से जाने देंगे, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो नहीं। कैसे बाप हो तुम? अपने बदले के लिए अपनी बच्ची को मारोगे? अपने परिवार को तबाह कर दोगे? ये मेरा परिवार नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। दुबई से आने के बाद 6 महीने लगे मुझे ये परिवार खड़ा करने में, क्योंकि मेरे असली परिवार को पूरी दुनिया के सामने मार डाला इस दया ने। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे बाप को जेल भेज दिया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें बदला लेना मुझसे बदला लो। गुड बाय दया। नहीं अभिजीत, छोड़ दो इसे। कानून के हाथ लंबे नहीं, मजबूत भी होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।